गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम जानेंगे एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित क्लास 12 की फिजिक्स में फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक से थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के सभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन के सभी फॉर्मूले और सभी ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन के सभी मेमोरी टिप्स इस बुकलेट में कलेक्शन किया गया है। जो ये बुकलेट बनाई गई है, इस बुकलेट में फॉर्मूले बालाजी पब्लिकेशन, राजू पब्लिकेशन, जीआर बटला पब्लिकेशन, नगीन पब्लिकेशन और नूतन पब्लिकेशन से कलेक्ट किए गए हैं। मैं आपसे प्रोमाइज करता हूं, इस बुकलेट से आप कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं जाएगा। यदि आप इस बुकलेट को एक बार पढ़ लेंगे तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं आप किसी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से जो रिलेटेड है उसे आप एक मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, जिससे पहले वाले वीडियो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फर्स्ट यूनिट है उससे फर्स्ट चैप्टर कूलॉम लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड और सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम के वीडियो अपलोड कर चुके हैं और उनकी पीडीएफ भी। जो हम इस बुकलेट में फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं आप उसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। वो सभी हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है भैया, यदि आप चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे और आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे आप नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो हम जानेंगे अब थर्ड चैप्टर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फॉर्मूले। फर्स्ट फार्मूला, किसी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, हम हिंदी इंग्लिश वर्ड दोनों यूज करेंगे। ठीक, किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो वी इक्वल होता डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। तो क्यू नॉट होता है इसे टेस्ट चार्ज बोला जाता है, परीक्षण आवेश। और हमने अगर हम किसी फॉर्मूला को जानते हैं जब तक उसकी जो क्वांटिटी है, अगर क्वांटिटी का मीन ना जाने तो फॉर्मूला यूजलेस होता है। तो हमने उस क्वांटिटी का किस क्वांटिटी का मीन्स क्या है हमने वो भी लिखा है और बेथ यूनिट की लिखा है। ठीक, तो डब्ल्यू होता है किसी भी टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य होता है और वैद्युत विभव का जो यूनिट होता है जूल प्रति कूलाम या इसी को हम वोल्ट कहें, वोल्ट भी होता है। ठीक, नेक्स्ट फार्मूला, बिंदुओं ए व बी के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है विभवांतर वी ए माइनस बी बी इक्वल डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। डब्ल्यू कार्य है क्या, परीक्षण आवेश क्यू नॉट को बिंदु ए से बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य और क्यू नॉट वही टेस्ट चार्ज है। मात्रक जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का है वही पोटेंशियल डिफरेंस का है। ठीक, अब हम नेक्स्ट फार्मूला थर्ड फार्मूला जानेंगे, वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच एक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य डब्ल्यू इक्वल होता क्यू इंटू डेल्टा बी। जो डेल्टा बी है वो पोटेंशियल डिफरेंस से विभवांतर। नेक्स्ट फार्मूला, बिंदु आवेश जो पॉइंट चार्ज है क्यू के कारण आर दूरी पर किसी बिंदु पर वैद्युत विभव वी इक्वल होता है वन बटे फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर। के माध्यम का परावैद्युतांक होता है डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। ठीक है, वो माध्यम पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट फार्मूला, फिफ्थ फार्मूला जानेंगे, वैद्युत ध्रुव के अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर जो वैद्युत विभव वी इक्वल वन बटे फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के पी अपॉन आर स्क्वायर। पी वैद्युत ध्रुवागुण होता है जो हमने कूलॉम लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था, क्यू इंटू टू एल, मतलब आवेशों का एक सिस्टम होता है, जो विपरीत आवेश होते हैं एक दूसरे से समांतर होते हैं, एक अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। ठीक, के माध्यम का परावैद्युतांक जिसमें वैद्युत इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है। आर वैद्युत ध्रुव के केंद्र से अक्ष पर स्थित बिंदु की दूरी होती है। नेक्स्ट फार्मूला अक्षीय स्थिति में था, अब निरक्षीय स्थिति में जानेंगे, क्या वैद्युत ध्रुव की अनुप्रस्थ या निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर जो वैद्युत विभव होता है वो शून्य होता है। जो आप इसमें मेमो टिप्स पढ़ेंगे या जो स्टार आप देख रहे हैं नोट पढ़ रहे हैं, ये आपके सभी जो ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन होते हैं आप इसकी सहायता से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट फार्मूला, दो पॉइंट चार्ज के जो सिस्टम है उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है। यू इक्वल होता है वन बटे फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, हमने वायु के लिए लिखा इसलिए के की वैल्यू वन रख दी, क्यू वन इंटू क्यू टू अपॉन में आर। नोट, एन आवेशों की निकाय की वैद्युत स्थित ऊर्जा, तो जितने आवेश हों यू इक्वल यू वन प्लस यू टू प्लस यू थ्री डॉट डॉट करके यू एन। अगर जैसे
मान लो वर्ग है, वर्ग के कोने पर वैद्युत आवेश हैं तो उसमें क्या होंगे, चार आवेश होंगे, तो उनके कारण वैद्युत स्थित ऊर्जा। इस प्रकार के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो जी इसी प्रकार मैंने एन आवेशों के कारण लिखी है। मान लो तीन आवेश हों तो तीन आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थित ऊर्जा पूछी जाती है। जो विभव प्रवणता होती है पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल जो ग्रेडियंट होती है वो वैद्युत क्षेत्र में अगर दूरी, जैसे जैसे हम दूरी बढ़ती जाएगी तो पोटेंशियल का मान घटता चला जाएगा। तो माइनस केवल ये व्यक्त करता है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी के साथ विभव का मान घटता है, और डेल्टा वी अपॉन में एक्स। और विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध होता है ई इक्वल माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। मतलब वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है किसी भी दिशा में, उस दिशा में वो विभव ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होता है, और ई बराबर वी अपॉन डी होता है। डी प्लेटों के बीच की दूरी होती है, ठीक, और बी प्लेटों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर होता है, ठीक। ई का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर होता है, ठीक। और हम पढ़ एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेश कण का जो गमन पथ होता है, ये वाई उपकल इलेक्ट्रॉन का चार्ज है स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है अपॉन 2mv² इंटू एक्स स्क्वायर। हम जो किस प्रकार से फॉर्मूला बहुत आसान तरीका से डिराइव कर सकते हैं, जो वाई अक्ष की दिशा में टी सेकेंड में जो इसका चली गई दूरी होती है वाई बराबर ए टी स्क्वायर होता है, इसका जो प्रारंभ वेग शून्य होता है वाई अक्ष की दिशा में, ठीक। तो आप इस जो एक्सीलरेशन है त्वरण की वैल्यू रख देंगे और टाइम की वैल्यू रख देंगे तो फॉर्मूला तुरंत निकल के आ जाएगा। जो हम एक्सीलरेशन निकालते हैं ए बराबर एफ अपॉन एम होता है, वो आवेश कण पर लगने वाला बल होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंटू वैद्युत क्षेत्र एम। आप मान रख दो तो ई अपॉन में एम, और टी समय बराबर दूरी बटे चाल, जो एक्स अक्ष में चली गई दूरी थी क्या थी, एक्स बराबर टी इंटू बी। तो इधर से आप टी की वैल्यू निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स अपॉन में बी का होल स्क्वायर। तो देखो वही फॉर्मूला निकल के आ गया, ई इंटू ई अपॉन में टू एम बी स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर, जो इलेक्ट्रॉन का गमन पथ है। आप जो इस इक्वेशन को देख रहे हैं ये कुछ इस फॉर्म का बन रहा, इसको हम कॉन्स्टेंट दे दें, जो कॉन्स्टेंट तो क्या इलेक्ट्रॉन के लिए सब कॉन्स्टेंट है, तो क्या सी एक्स स्क्वायर के समीकरण के रूप का है, ये पैराबोलिक इक्वेशन होता है। इसलिए जो इलेक्ट्रॉन का गमन पथ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में वो कैसा होता है, पैराबोलिक होता है, ठीक। तो आप इस फॉर्मूले को इस प्रकार से ड्राइव शॉर्ट में आप फॉर्मूला भी सीख सकते हैं, ड्राइव भी कर सकते हैं। तो अविलंबित वैद्युत क्षेत्र में जो इलेक्ट्रॉन का गमन पथ होता है कैसा होता है, पैराबोलिक होता है। यदि इलेक्ट्रॉन टी समय में एल दूरी तय करता है तो एक्स बराबर एल, तो फॉर्मूले रख देंगे तो कितना आ जाएगा, वाई इक्वल ई और इंटू कैपिटल ई अपॉन में 2mv² इंटू एल स्क्वायर। यदि प्लेटों के बीच प्रवेश करने वाले इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के हो तो के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर होता है। तो आपके एम, तो इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे तो वाई इक्वल आ जाएगा के फॉर्म में, मतलब काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में ई इंटू ई एल स्क्वायर अपॉन में 4k। नेक्स्ट फार्मूला, यूनिफॉर्म जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत ध्रुव को थीटा एंगल घुमाने में किया गया कार्य डब्ल्यू इज इक्वल टू होता पीई ब्रैकेट 1 cos θ। इसके हम केस व्यक्त कर सकते हैं, इसके थ्री केस। केस फर्स्ट, यदि थीटा इक्वल हो, इक्वल जीरो हो, मतलब वैद्युत जो द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा में हो तो डब्ल्यू इक्वल जीरो होता है, आप कॉस जीरो का मान 1 होता रखेंगे, 1 से 1 जीरो आ जाएगा, तो डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। इस सेकंड, यदि जो वैद्युत द्विध्रुव है वैद्युत क्षेत्र के लंबवत हो तो थीटा 90 एंगल, तो कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो कितना आ जाएगा, डब्ल्यू इक्वल पी इंटू ए। इस थर्ड, थीटा की वैल्यू 180, तो हम कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है, तो आ जाएगा तो डब्ल्यू इज इक्वल टू पी इंटू ए। नेक्स्ट फार्मूला, आप इन फॉर्मूले को एक दो बार रिवाइज कर लीजिएगा, आपको नॉर्मल क्वेश्चन आप एक मिनट में कोई भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक, आप चाहे किसी भी वक्त से लगा रहे हों। नेक्स्ट फार्मूला, जो इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी यू इक्वल होता है -PE cos θ, ठीक। केस फर्स्ट, इसका ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्थायी संतुलन की स्थिति में, मतलब इक्विलिब्रियम पोजिशन होती है, और
अस्थायी संतुलन की स्थिति में। तो हमने केस में हिंदी भी लिख दी है, नहीं हम राइट एंगल लिखते। वैद्युत ध्रुव क्षेत्र की दिशा में हो तो थीटा इक्वल जीरो, मतलब तो हम स्थित ऊर्जा निकालेंगे तो मतलब थीटा की वैल्यू जीरो रख देंगे, तो यू जीरो कितना आ जाएगा, माइनस का पी। पी आप जानते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस स्थिति में वैद्युत ध्रुव की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मिनिमम है और वैद्युत ध्रुव स्थायी संतुलन में होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। केस सेकंड, यदि वैद्युत ध्रुव क्षेत्र के परपेंडिकुलर है तो थीटा वैल्यू 90 एम, कॉस 90 की वैल्यू जीरो होती तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी निकल के आ जाएगी जीरो। यदि वैद्युत ध्रुव के स्थायी संतुलन की स्थिति से 180 घुमा दें डिग्री तो क्या होगा, यू जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी पी होगी। मतलब इस स्थिति में जो वैद्युत ध्रुव की जो मैक्सिमम प्राप्त होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इस स्थिति में जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में होता है। ठीक, इस प्रकार से ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है। नेक्स्ट फार्मूला दो, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल हैं उनके पार मौजूदा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, उनके बीच लगने वाला फोर्स। ठीक, आप हिंदी तो देख ही रहे हैं, हम प्रत्येक वर्ड की इंग्लिश भी यूज करते जाएंगे। यू इक्वल होता है माइनस वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के टू पी वन इनटू पी टू अपॉन आर क्यू। आर है दोनों वैद्युत ध्रुव की बीच की दूरी है, पी वन पहले वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण है और पी टू दूसरे वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण है। एफ उनके बीच बल निकालना है, तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, नेगेटिव होता है तो एफ इक्वल होता है माइनस डी अपॉन डी आर, हम इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो निकल के आ जाएगा माइनस वन बटे फोर पाई एप्सिलॉन इनटू के सिक्स पी वन इंटू पी टू अपॉन आर की पावर फोर। ये फोर्स होता है जो अट्रैक्शन नेचर का होता है। ठीक, नेक्स्ट फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट, रैखिक समदैशिक परावैद्युतों के लिए जो पोलराइजेशन होता है ध्रुव, पी इक्वल एक्जाई ई इंटू कैपिटल ई। जो एक्जाई ई होता है परावैद्युत माध्यम की वैद्युत प्रवृत्ति, ये इलेक्ट्रिक सस्पेंसिबिलिटी। ठीक, मेमोटिव से जानेंगे, एन वैद्युत आवेशों के कारण किसी बिंदु पर जो वैद्युत प्रवाह होता है, बी इक्वल बी वन प्लस बी टू प्लस बी फोर डॉट डॉट करके बी एन। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन आ गया, ये नोट कब काम आएगा, जैसे कोई वर्ग दे दिया, उसने कह दिया वर्ग के कोने पर आवेश स्थित हैं कोई चार, इधर क्यू वन है, इधर क्यू टू है, इधर क्यू थ्री है, इधर क्यू फोर है। अब पूछा जाए वर्ग के केंद्र पर वैद्युत प्रभाव कितना होगा, तो चार आवेश हैं तो चार आवेश का वैद्युत प्रभाव बी वन प्लस बी टू प्लस बी थ्री प्लस बी फोर। यदि कोई मान लो नेगेटिव है इनमें से दो, तो जो वैद्युत प्रभाव से आपको रिलेटेड न्यूमेरिकल को क्वेश्चन मिलेंगे उसमें चार्ज को आवेश को चिन्ह सहित लिखा जाता है। ठीक, और नेक्स्ट मेमोटिप्स बी बोल्ट, जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है विभवांतर, उससे ऐसी रिलेटेड तुरंत क्यू कूलाम आवेश द्वारा अर्जित जो हमारी काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा के इक्वल होता है क्यू इंटू बी, इलेक्ट्रॉन है तो ई इंटू बी हो जाएगा, बराबर हाफ एम बी स्क्वायर। आप जी तो हाफ एम बी स्क्वायर तो के बराबर जानते ही होंगे। अगर हम किसी भी कंडक्टर को चालक को अर्थ से जोड़ दें तो उसका जो पोटेंशियल होता है वो जीरो हो जाता है, कैसा हो जाता है, शून्य हो जाता है। अब जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लगाते हैं जहाँ पर हमें समस्या कई ऐसी फिजिकल कांस्टेंट होते हैं कि हमें उसकी वैल्यू याद नहीं रहती है, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो फिजिकल कांस्टेंट होते हैं वो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जनरली हैं, हम चाहे कूलाम ला एन इलेक्ट्रिक फील्ड देखें, चाहे हम इलेक्ट्रिक फ्लैश एन गॉस थ्योरम देखें, या हम जो अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखें, या जो कैपेसिटर वाले अब क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिलेंगे, ये सबके लिए हमने जो फिजिकल कांस्टेंट कॉमन लिख दिए हैं। इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10 टू की पावर माइनस 31 केजी, और प्रोटॉन का मास होता है 1.6 इंटू 10 टू की पावर माइनस 27 केजी। अल्फा कण का जो मास होता है प्रोटॉन के मास का 4 गुना होता है। आप इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है 1.6 इंटू 10 टू की पावर माइनस का 19 कूलाम। प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। अल्फा कण का जो चार्ज होता है प्रोटॉन के चार्ज का दो गुना होता है। ठीक, एप्सिलॉन नॉट जिसे निर्वात की वैद्युतशीलता बोला जाता है, परमिटिविटी ऑफ स्पेस 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12
कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। हम डाइट 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9×10⁻⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। और जी जो इस यूनिवर्सल कांस्टेंट बोला जाता है, इसकी वैल्यू होती है 6.7×10⁻¹⁰ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। वन यंग स्टार में 10⁻¹⁰ मीटर होता है। और जी जिससे गति त्वरण ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू होती है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और 9.8 न्यूटन प्रति किलोग्राम। एक पेको कूलाम में 10⁻¹² कूलाम होता है, या इस प्रकार से भी लिखा हो 1 μmC, क्योंकि एक माइक्रो कूलाम में 10⁻⁶ कूलाम होता है। ठीक, जब दो बार लिखा है तो 10⁻¹² कूलाम हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं मल्टीप्लीकेशन में जो पावर होती है वो ऐड होती है। तो जल की डेंसिटी होती है 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6×10⁻¹⁹ जूल। हम इसको सैम्बल में इस प्रकार से लिख सकते हैं, आप इस प्रकार से आ जाए 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 1 किलो में जानते हैं 10³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो आप जानते हैं कितने जूल होते हैं, 1.6×10⁻¹⁹ जूल। इस प्रकार से ये फिजिकल कांस्टेंट कोई भी हम न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करते हैं तो उसमें मिल जाता है। तो हम इसी प्रकार चैप्टर बाई चैप्टर पूरी फिजिक्स के वीडियो जो अपलोड करते रहेंगे, जिसमें हम सभी फॉर्मूले सीखेंगे और उनकी आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।